इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ऊपर मैंने आपको काफी कहानियां सुना दी हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट वही बेनिफिट लेना कि जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो एज अ प्रोड्यूसर, अब आपको उतना कम पे करना पड़ेगा, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम द टैक्सेस टू बी पेड। फ्रॉम द टैक्सेस टू बी पेड यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन द गुड सोल्ड। कह रहा भाई साहब हम कुछ ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उतना कम देंगे। कह रहा कोई बात नहीं, हक है आपका। व्हेन एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स आर सप्लाइड टू अ टैक्सेबल पर्सन द जीएसटी चार्ज इज नोन एज इनपुट टैक्स। कि किसी प्रोड्यूसर को सप्लायर को सामान बेचा जा रहा है तो वो जो टैक्स पे कर रहा है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो फाइनल कंज्यूमर थोड़ी ना था, उसके लिए तो ये इनपुट्स थे, रॉ मटेरियल्स थे। या भी आगे कुछ बनाएगा या आगे कुछ बेचेगा उसने अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं लिया है, कंज्यूमर नहीं है वो। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड। तो मतलब जो जो आप पे करते जा रहे हो उसका आपको वैसे ही क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, आपका कोई बर्डन नहीं है, पास ऑन हो जाएगा वो। सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैन सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेड बाय हिम। दस मरता कौन है? फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन, और उससे पहले हर स्टेज का सेट ऑफ हो चुका होगा इनपुट क्रेडिट। हेंस द टैक्स विल बी लेवीड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड। दिस विल हेल्प इन अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। एग्जाम्पल, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने तीन इनपुट्स खरीदे अलग अलग, कुछ आपने कपड़ा खरीदा, बटन खरीदे, जो भी है मल्टीपल इनपुट्स खरीदे, ए बी सी। ए पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो 70, बी पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो 130, सी पे ये इनपुट्स हैं आपके तो टैक्स आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो? 300 तो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो। आपने सामान बेचा और टैक्स कलेक्ट करा 450, 450 टैक्स कलेक्ट करा, 300 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो जो 300 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, सेट ऑफ कर देंगे। अब गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? 450 माइनस 300, 150। क्लियर? तो ये जो आपने माइनस कर दिया इसको बोलते हैं आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, आपने जो टैक्सेस पे करे थे वो सेट ऑफ कर दिए। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेनिफिट्स जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन तो बन ही सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, नो हिडन टैक्सेस, डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हायर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये डिस्पोजेबल इनकम इनकम ऑन माइनस टैक्सेस पेड, डिस्पोजेबल इनकम होती है। इनकम एट योर डिस्पोजल, टैक्स पे करने के बाद आपके पास कितने बच गए वो होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, एट योर डिस्पोजल, जो आप एक्चुअली यूज कर पाएंगे अपने ऊपर। तो अगर टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, यस और नो? कस्टमर्स टू हैव वाइडर चॉइस, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी।